हे गाइस, तो हमने देखना है कि एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर अगर हम कैक्टस ग्लैंडी फ्लोरिस ही मेडिसिन देते हैं तो हमको उसमें क्या क्या रीजन होने चाहिए कि हमको हम क्यों देंगे वो दें अगर हमको वो देना है। तो पहली चीज़ जो है कि तो वो रहेगी रोमैटिज्म, दूसरा सन और तीसरा डैम्प वेदर। ये तीन रीजन्स होने चाहिए कि हम अफेक्शन के लिए तीन ये रीजन्स होने चाहिए जिनकी वजह से हम कैक्टस ग्लैंडी फ्लोरिस किसी भी पेशेंट को सजेस्ट कर रहे हैं एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो पहला रहेगा अबर जो कि डैम फैदर है। अबर उसके बाद में अबर में जो तकलीफ होती है रहती है रोमैटिज्म। रोमैटिज्म का मतलब होता है पेन इन जॉइंट्स। तो पहले आएगा अबर मतलब डैम फैदर, फिर आएगा रोमैटिज्म। रोमैटिज्म मतलब पेन इन जॉइंट्स, और फिर आएगा सन जो कि अबर मतलब अगर डैम फैदर रहा तो उसमें सूरज कभी कभी निकलता। तो ये तीन चीज़ों को इस तरह से सीक्वेंस में हम लगा के अगर याद करेंगे तो ये एलिमेंट्स फॉर्म हो जाएगा। देन दी सिम्टम्स, आप सिम्टम्स कैसे याद कर लेंगे। पहली चीज़ है, पहला सिम्टम है कंस्ट्रिक्शन इन चेस्ट एज इफ दी बाउंड हाइंडिंग रेस्पिरेशन। कंस्ट्रिक्शन इन चेस्ट है तो ये हो गया हमारा चेस्ट। अब ये चेस्ट के अंदर ये जो येल्लो लाइन आपको दिख रही है, ये ऑरेंज लाइन जो दिख रही है वो है कंस्ट्रिक्शन इन चेस्ट। अब कंस्ट्रिक्शन इन चेस्ट और उसके साथ में हिंडरिंग रेस्पिरेशन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ डायफ्राम, इन्फ्लेमेशन ऑफ डायफ्राम है और विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी ऑफ रेस्पिरेशन है। अब जो डायफ्राम है बेचारा, ये जो हमारा डायफ्राम है इसका क्या हुआ कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, सॉरी इसका इन्फ्लेमेशन हो गया। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या हुआ कि ये अपनी जगह से हलने को तैयार नहीं है। तो जब ये नहीं हलेगा तो जो लंग्स है वो इंस्पायर नहीं कर पाएंगे तो वो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। सो ये हो गया, उसमें डिफ़िकल्टी ऑफ रेस्पिरेशन होगा। पेन शूटिंग डाउन टू लेफ्ट आर्म, अब ये सारी चीज़ों का जो असर होगा वो लेफ़्ट आर्म पे होगा कि पेन सारा का सारा जो है इन सारी चीज़ों की वजह से जो पेन है वो जाएगा लेफ़्ट आर्म पे, वहाँ रेडिएट होगा। उसकी वजह से पल्पिटेशन होगा। पल्पिटेशन का रीज़न क्या रहेगा कि बढ़ेगा कब, अगर वो बंदी या बंदा जो है वो लाई कर रहा है लेफ़्ट आर्म के से, मतलब अगर वो उल्टे हाथ की तरफ सो रहा है तो उसका पल्पिटेशन बढ़ेगा। और दूसरा रीज़न है कि जब किसी गर्ल का मेंसेस जो है वो अप्रोच कर रही होगी उसी वक्त उसको पल्पिटेशन बढ़ जाएंगे। अब आ जाओ दिल पे, तो दिल जो है मतलब जो हार्ट है वो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा एज फ्रॉम एन आयरन बैंड। मतलब क्या है कि सीधी बात है, जो दिल है यहाँ पे, जो हार्ट है यहाँ पे, डायफ्राम जो है वो क्या हो गया कि उसका इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसने तो हड़ना नहीं है, उसकी वजह से ब्रेथ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगा। तो अब जो हमारा दिल है, दिल में क्या होगा कि वहाँ पे ऐसा लगेगा कि वहाँ पे एक बैंड है, एक ऐसा रिंग है, रिंग के अंदर रिंग जो है वो आयरन की है और वो हमारे हार्ट को कस के पकड़ी हुई है और उसकी वजह से वो कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग की वजह से उसको होगा एंडोकार्डाइटिस, और एंडोकार्डाइटिस की वजह से होगा इन माइट्रल इनसफिशिएंसी। ये दो चीज़ें होगी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ हार्ट की वजह से। देन आ जाओ नीचे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ये बंदे का रहेगा सिंग्वाइनस कॉन्स्टिट्यूशन जिस जो के प्लेथोरिक हैबिट वाला रहेगा और फुल ब्लडेड पर्सन रहेगा। उसके बाद में टेम्परामेंट है सिंग्वाइन माइजम सोरा, नाइदर हॉट नॉट चिली, ये पता ही नहीं, कन्फ्यूजन है कि वो हॉट है या चिली है। उसके बाद में आ जाओ फिजिकल जनरल्स में, फिजिकल जनरल में पहली चीज़ है कॉन्स्ट्रिक्शन, पूरी की पूरी बॉडी में ऐसा लगेगा जैसे जकड़ के रखा है, मतलब एकदम सारी के सारे जो ऑर्गन्स है उनके अंदर एकदम ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा, एक कंजेशन रहेगा। पल्सेशन जो है वो इरिटेबल रहेगी, इंटरमीडिएट रहेगी, फीबल रहेगी। इरिटेबल मतलब इरिटेबल रहेगी, इंटरमीडिएट मतलब धीरे धीरे रहेगी, कभी फास्ट है कभी धीरे स्लो है, और फीबल मतलब एकदम ही लाइटेड रहेगी, मतलब आप फील ही नहीं कर पाओगे उसको कभी कभार। देन दी बॉडी फील्स टाइट एंड रैप, ऐसा लगेगा कि प्लास्टिक की पन्नी में पैक करके एकदम टाइट पूरा रैप करके रखा हुआ है। एक मतलब एक इंसान कंसिडर करो जिसके ऊपर आपने एक बॉटल कंसिडर करो जिसके ऊपर आपने पूरी टेपटी टाइटली पैक कर दी हो, ऐसा फीलिंग रहेगा उस बंदे को अपनी बॉडी का कि एकदम टाइटली रैप किया हुआ है। ब्लड जो है ब्लड बीपी जो है वो कम रहेगा। उसके बाद में मेंटली वो पेशेंट को अगर रैप्ड फीलिंग है और
हार्ट जो है वो ऐसा लग रहा है कॉन्स्ट्रिक्टेड है, पूरी बॉडी में हर चीज़ अकड़ी हुई है, हर ऑर्गन अकड़ा हुआ है, तो उसको होगा फियर ऑफ डेथ बिकॉज ही बिलीव्स दैट डिजीज इज़ इनक्योरेबल। उसके साथ में एनजाइटी रहेगी, कहीं मैं मर ना जाऊँ। उसके बाद में ईजीली फ्राइटन, बहुत जल्दी वो डर जाएगा, कोई भी उसको पेन हुआ तो बहुत जल्दी डर जाएगा, कह रहे मुझे क्या हो गया। देन सैडनेस, उदासी रहेगी ड्यू टू फियर ऑफ डेथ और इरेसिटेबल इंक्लिनेशन टू वीप, और वो कंटिन्यूसली वो रोना चाहेगा या उसको डिज़ायर रहेगा कि वो रोए। देन दी अदर गाइडलाइन सिम्टम्स आर दी वीकनेस रहेगा, प्रोस्ट्रेशन रहेगा मतलब थकावट रहेगी, प्रोस्ट्रेशन मतलब गलावट रहेगी, स्लो पल्स रहेगी, पेंटिंग रहेगा और उसके साथ में प्रोस्ट्रेशन रहेगा। हार्ट डिजीज़ जो है वो इडीमा के साथ आएगी, लेफ्ट हैंड के मतलब अगर हार्ट डिजीज़ हुई है तो लेफ्ट हैंड का इडीमा होगा, मतलब वहाँ पे स्वेलिंग आएगी। हेडेक इस तरह का होगा कि वर्टेक्स जो पार्ट है वहाँ पे उसको वेट लगेगा क्योंकि कुछ चीज़ वहाँ पे भारी है, मतलब वर्टेक्स भारी है। उसके बाद में मोडालिटीज़ उसको नून में अच्छा लगेगा, ओ नून में इसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाएगी। लाइंग मतलब नून मतलब 11 AM। उसके बाद में लाइंग ऑन अ लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड पे लाइक किया तो लेफ्ट साइड की तरफ से अगर सो जाए तो वॉकिंग की वजह से उसकी कंप्लेंट बढ़ेंगी, और 11 से 11 मतलब सुबह के 11 से रात के 11 तक के कंप्लेंट जो है वो एग्रवेटेड रहेगी, और अगर वो ओपन एयर में जाता है तो उसकी कंप्लेंट जो है वो थोड़ी बहुत कम होगी, उसको अच्छा लगेगा।